हेलो दोस्तों, मैं जहर ज्योति विश्वास आपका फिर से स्वागत करता हूँ एडुकेशन इन हिंदी चैनल पे। आज जो मेरा टॉपिक से वो है फ्री ऑफिस सॉफ्टवेयर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप गूगल पे जाके WPS ऑफिस लिख लीजिए और WPS ऑफिस 2016 फ्री वेबसाइट पे आप क्लिक करके उस पे चले जाइए। WPS ऑफिस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन नज़र आएगा। आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा WPS ऑफिस यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है उसका सेटअप फाइल यहाँ पे है। तो आप सेटअप फाइल जब आपका डाउनलोड खत्म हो जाएगा तो आप इस सेटअप फाइल पे लेफ्ट डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर लीजिए। इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद वो WPS ऑफिस जो है वो सब एक्सट्रैक्टिंग करके आपका जो WPS ऑफिस है उसको इंस्टॉल कर देगा आपका PC पे। और ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्री है, कोई पेड वर्जन नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं। आप MS Word का जो नाम है यहाँ पे WPS राइटर करके है, उसके बाद में स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, आप सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं इसका सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया। अभी आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं जैसे कि WPS राइटर। और इसमें सेटअप खत्म होने के बाद अगर आपका ऑनलाइन रहता है तो आप यहाँ पे उसका कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका थैंक्स आपको बोलेगा WPS ऑफिस साइट से। तो कोई बात नहीं, आप इसको क्लोज कर दीजिए और WPS राइटर जो है उसको ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं WPS राइटर जो है उसको लेफ्ट डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। WPS राइटर फॉर वर्ड, WPS स्प्रेडशीट फॉर एक्सेल, WPS प्रेजेंटेशन फॉर पावर पॉइंट। अभी आप एक लुक अब देख लीजिए WPS राइटर। ये ओपन होने के बाद आपको कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट सजेस्ट करेगी। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन टेम्पलेट लोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्लोज करके आप छोड़ दीजिए और यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिए। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पेज यहाँ पे आपका आ गया, निकल के आ गया। जैसे कि MS Word का जो डॉक्यूमेंट पेज होता है उसी तरह का है, सिर्फ यहाँ पे रूलर वर्ड जो है वो नहीं है, उसको भी आप ला सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या ऑप्शंस है इस पे। जैसे कि इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने जो चीज़ आपने MS Word 2007 या 2010 तक आपने किए हैं सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। जितना भी सारा फीचर्स है सब यहाँ पे डाला हुआ है, आप एक बार इसको यूज़ करके अब इसको देख लीजिएगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि एमएस वर्ड 2007 और 10 पे था। आप रूलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, इंडिया ऑप्शन से व्यू ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन आप डाल के अब जैसे रूल बुक रहता है, रूल कॉपी पे आप किस तरह से लिखते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये तो बेहतरीन चीज़ है, जैसे कि नाइट मोड और आई प्रोटेक्शन मोड, ये दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा ये सेक्शन और स्पेशल फीचर्स भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बाद में ट्यूटोरियल बना दूंगा इसका भी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप हाँ इसको सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद इसका जो एक्सटेंशन आता है वो भी .docx आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं एक्सेल WPS स्प्रेडशीट को देख लेता हूँ, इस पर क्या क्या फीचर्स है। इस पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल का जो भी ऑनलाइन टेम्पलेट आपको सजेस्ट करेगा, अगर आप चाहो तो लोड कर सकते हैं, नहीं तो न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करके ब्लैंक स्प्रेडशीट ले सकते हैं। और यहाँ पे वही एक्सेल का तरह ही आपका शीट बना हुआ है, और जो जो ऑप्शंस आपको मिला था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वो भी आप यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आप देख लेते हैं मैं WPS प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट का भी, वो भी किसका किस तरह से उसका लुक भी है। दोस्तों इतना तक आपका पावर पॉइंट आ गया। अगर आपका इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।